फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक। फिनटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, अगर बात की जाए आज के निफ्टी की, तो निफ्टी में लगभग 100 से 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन क्या निफ्टी जब गिरता है तो सारे स्टॉक गिर जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और आज मैं यही आपको बताने के लिए आया हूं कि मैंने पिछले 2-3 दिनों से कई बार कुछ स्टॉक्स को बार बार कवर किया है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी वैल्यू बाइंग पर अवेलेबल थे। ये 2 दिन मेरे पहले का वीडियो है, जहां मैंने मुथूत फाइनेंस को कवर किया था, SBI कार्ड को कवर किया था, दीपक नाइट्राइट और इन्फोसिस को भी कवर किया था। बात की जाए कल की, तो कल की भी डेट में ये मुझे जो 5 स्टॉक्स की जिनमें बात की है, तो वहां मैंने रिलैक्सो को कवर किया था, मुथूत फाइनेंस को और SBI कार्ड्स को कवर किया था, कि ये अपने बहुत अच्छे लेवल पर हैं जिनमें अच्छी एक वैल्यू बाइंग बनती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ बार बार सिखाने की कोशिश करता आ रहा हूँ कि मार्केट में पैसों को रोटेट किया जाता है। बड़े बड़े चाहे म्यूचुअल फंड हाउसेस हों, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो, वो अपने पैसे को बार बार रोटेट करते हैं। जहाँ वैल्यू बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ से वो पैसों को निकालते हैं। और जिन सेक्टर में अभी तक कोई मूवमेंट नहीं आया है, और उन सेक्टर के जो बहुत ही क्वालिटी वाले स्टॉक्स होते हैं, वो उनमें पैसा लगाते हैं और फिर उनमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। बात की जाए मुथूत फाइनेंस की, तो मुथूत फाइनेंस को मैंने कितनी बार कवर किया है कि ये इसका जो 1450 का सपोर्ट प्राइस है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, एक बेस्ट लेवल है, जहां पर आप एक डाउन साइड ना के बराबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अप साइड बहुत ज़्यादा है। और इस चीज़ का प्रूफ आज फिर से एक बार देखने को मिला। सीधे 1450 से मुथूत फाइनेंस ने रैली की है, और आज का इसका हाई था 1542 रुपये। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए, तो मुथूत फाइनेंस ने अपने इस सपोर्ट को बार बार टेस्ट किया है, और वहां से हर बार इसने बाउंस बैक लिया है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये अभी और गिरेगा तब हम उसमें जाके बाइंग करेंगे, तो उनको बार बार गलत ही साबित होना पड़ा है। और ये मुथूत फाइनेंस ने आज की डेट में अगर बात की जाए, तो लगभग 6% की इसने रैली करके दिखाई है। चलिए बात करते हैं मुथूत फाइनेंस में कॉन्फिडेंस की। तो ये कॉन्फिडेंस सिर्फ मेरा ही नहीं है, बल्कि और भी जो कई सारे ब्रोकर हाउसेस हैं, उनमें से एक बहुत ही शानदार ब्रोकर हाउस है CLSA। CLSA की अगर रेटिंग की बात की जाए, तो उसने बाई की रेटिंग इनिशिएट की है, वो भी मुथूत फाइनेंस पे। और इनकी जो टारगेट हैं, वो निकल के आ रहे हैं 1900 रुपये प्रति शेयर। आज की डेट में मुथूत फाइनेंस 1530 के रेट पे चल रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इनने ये रेटिंग दे दी है तो ये कल के कल ही आ जाएंगे। बट हाँ, आप इनको बाई और होल्ड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको विद इन 1 ईयर 2 ईयर तो ये 1900 का तो प्राइस आपको दे ही देगा। इसके अलावा इन्होंने जो बात की है, वो मन्नापुरम फाइनेंस की भी बात की है। सेम बिजनेस में ये दोनों कंपनी काम करती है। मन्नापुरम फाइनेंस एक छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, मुथूत फाइनेंस एक अच्छी खासी और इनका बहुत ही अच्छा बिजनेस देखने को मिलता है। मन्नापुरम फाइनेंस की बात की जाए, तो यहाँ पे भी इन्होंने 240 का टारगेट प्राइस दिया है। आज मन्नापुरम फाइनेंस में भी लगभग 6% की तेज़ी देखने को मिली थी। दोनों ही बिजनेस बहुत ही अच्छे हैं, हाई प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस है और लो रिस्क है। ये मैंने कई बार आपको बताया है। देखिए, बैंक में NPA के इश्यूज हो सकते हैं, लोन उनके डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन इनका बिजनेस इतना अच्छा है। गोल्ड लोन में ये काम करते हैं, ये गोल्ड लेते हैं कस्टमर से और उस बेसिस पर उनको लोन देते हैं। अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट भी कर जाता है, वो उन्हें नहीं मिलता है, तो वो गोल्ड को बेच करके उस पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। तो इनके बिजनेस में कोई डेंट नहीं है, बहुत ही लो रिस्क है इनके बिजनेस में, और बहुत ही शानदार कंपनी है मुथूत फाइनेंस। इनके ROE और रिटर्न ऑन एसेट की बात की जाए, तो उसको भी बहुत ही अच्छा बताया हुआ है NBFC के जितनी भी कंपनी है। मुथूत फाइनेंस की अगर बात की जाए पर्सनली, तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है, बहुत ही शानदार है। कई बार इसको मैंने बार बार कवर किया है, और इसने कई बार मौका दिया है 1450 के आसपास बाइंग करने का। बहुत ही शानदार प्राइस था जिसपे इसकी बाइंग की जा सकती थी। बात करें अगर टिकर टेप ऐप प्रो की, तो यहाँ पे ये एक अपना एक प्रेडिक्शन दिखाते हैं। जितने भी एनालिस्ट होते हैं, वो इसमें एनालिसिस करके वो ये डिसाइड करते हैं कि इसमें डाउनसाइड कितना है, अपसाइड कितना है। देखिए, ये कल के अगर प्राइस की बात की जाए, तो 1450 का इसका प्राइस था। उस प्राइस में इस ऐप इस में जितने भी एनालिस्ट थे, उन लोगों का यही प्रेडिक्शन था कि इसमें अगर डाउनसाइड की बात की जाए तो बहुत ही कम है, जो कि 1.23% है, और एक ह्यूज अपसाइड इसमें देखा जा सकता है, लगभग 57% का इतना दम है इस कंपनी में।
बात की जाए SBI कार्ड्स एंड पेमेंट की, तो इसको भी मैंने कई बार कवर किया है और हर बार इसको अपने इसमें मैंने जितना भी सपोर्ट प्राइस था हर बार मैंने यही मेंशन किया, अगर ये 1,000 के आसपास मिले तो इसमें एकदम बाई बनता है, क्योंकि इसके भी अगर डाउनसाइड की बात की जाए तो वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये डाउनसाइड जो है इसमें बहुत ही कम, लगभग 3% की देखने को मिल रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की अगर मैं बात की जाऊँ तो 3% के कंपैरिजन में अगर देखा जाए अपसाइड, तो लगभग 27% का ह्यूज अपसाइड देखने को मिलता है। कंपनी बहुत अच्छी है, सिर्फ कंपनी में प्रॉब्लम ये आई है कि पिछले कुछ टाइम से इसका किस्मत ख़राब था, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी ब्लॉक डील्स हुई, बार बार कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स अपना एक बल्क में शेयर को सेल करके निकलते गए हैं, लेकिन इससे कंपनी ख़राब नहीं हो जाती है। कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, कंपनी का मार्केट ग्रोथ और मार्केट कैप्चर दोनों ही बहुत ही अच्छा है, और इस प्राइस पर जहाँ ये मिल रहा है, जहां आपका डाउन साइड बहुत कम है, एक ह्यूज अपसाइड देखने को मिलता है, वहां पर एक अच्छी वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। आज की अगर बात की जाए तो पूरे मार्केट में काफी गिरावट मची हुई थी, लेकिन फिर भी ये कुछ शेयर हैं जो अच्छे खासे एक अप ट्रेंड दिखा रहे थे। आज के SBI कार्ड्स की बात की जाए तो लगभग 1.6% की तेजी बनी हुई थी। SBI कार्ड्स की अगर डिलीवरी की बात की जाए तो 72% की डिलीवरी उठाई गई है। आप पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड लगा के देख लीजिए, एक अच्छी खासी डिलीवरी हर दिन इसमें उठाई जा रही है। ये लार्ज अमाउंट में एक्यूमुलेशन चल रहा है, एक दिन आएगा जब शेयर की कमी हो जाएगी और फिर ये प्राइस जो है तेज़ी से शूट अप करेगा। आइए अब इसमें स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं कि इसमें अगर करना है, अगर कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इसमें कैसे पोजीशन बनाना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 1450 इनका बहुत अच्छा सपोर्ट बन के आया है और इसमें इन्होंने कई बार सपोर्ट लिया है। वहीं ऊपरी के रेंज में देखा जाए तो 1545 1550 का इनका एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर बात की जाए इसमें पोजीशन बनाने की, अगर आप 10 स्टॉक इसके लेने की कैपेसिटी है अगर आपकी, तो आप इसमें से जो दो स्टॉक है तो वो आप अभी इस करंट प्राइस पर ले सकते हैं। दो स्टॉक लेने के बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो जाने दीजिए, वेल एंड गुड है, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन अगर स्टॉक नीचे आता है और कभी ये 1500 के लेवल पे मिलता है या 1480 के लेवल पे मिलता है, तो वहाँ पे आप जो है तो इसमें 3 स्टॉक और ऐड कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी इसमें और गिरावट होती है और ये 1450 के लेवल तक एक बार फिर से अपना ये लेवल टेस्ट करने के लिए जाता है, तो वहाँ आप 5 स्टॉक और ऐड करते जाइए। तो आप आई होप मेरी स्ट्रेटजी समझ रहे होंगे, 2-3-5 के रेशियो में इसमें स्टॉक को ऐड करते जाना है अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं। अगर ये ऊपर जाता है तो यहीं से आप इसको छोड़ दीजिए और जाने दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपका एक अच्छा पैसा ज़रूर बनेगा। सेम स्ट्रेटजी इसमें SBI कार्ड्स में भी देखने को मिलेगी, 2-3-5 की ही स्ट्रेटजी लगाना है, लेकिन 5 के लिए मुझे नहीं लगता कि लेवल कभी आएगा, लेकिन फिर भी इसको होल्ड पर रखना है। अगर 2 की बात की जाए तो करंट मार्केट प्राइस पर ले सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि ये 50-day मूविंग एवरेज जो है, तो शायद इस अभी भी इसके नीचे की ही क्लोजिंग है आज की, तो हो सकता है कि एक वापस रिट्रेसमेंट नीचे को देखने को मिले। तो 2 स्टॉक ले सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पर, अगर ये वापस नीचे आता है 1000 के लेवल के सपोर्ट के पास, आप वहाँ पे 3 स्टॉक और ऐड कर सकते हैं। थोड़ा वेट करें, मुझे नहीं लगता 1000 के नीचे जाएगा ये वापस से एक सपोर्ट लेगा, और अगर गलती से मार्केट में करेक्शन कुछ आता है या चीज़ें अगेंस्ट हो जाती हैं और ये शेयर जो है तो 930 के आसपास वापस चला जाता है, तो वहाँ पर आप वो 5 क्वांटिटी को बचा के रखिए और वहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और इसे एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।